So hello students, so today we are going to start your 5.3 exercise, that how to solve the quadratic equation by using complex numbers. हमने उससे पहले complex numbers का concept किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम सारे complex number में क्या क्या terms थी और हमने उसे कैसे use किया और solve किया. अब हम आज exercise करेंगे 5.3, जिसमें हम देखते हैं. तो सबसे पहला question जो आपके पास है वो क्या है, that x square plus 3 equal to 0. We want to find the values of x. Quadratic equation है, तो हमें x के roots निकालने हैं, right? तो roots निकालने के लिए formula हमने already किया हुआ है, 10th class में भी किया था, minus b and plus minus root d upon 2a. The same formula we are going to use. तो यहाँ देखें, तो x नहीं है, तो सीधा x square equal to क्या आ गया? Minus 3. तो x आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ऑफ रूट माइनस 3. और अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. तो कैन वी राइट प्लस माइनस ऑफ रूट 3 इंटू आयोटा, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं रूट माइनस 1 इंटू 3. तो दैट मीन्स रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 किया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा. तो हमारे पास दो फैक्टर्स इसके आ गए, एक आ गया आपके पास प्लस रूट 3 आयोटा और एक माइनस रूट 3 आयोटा. क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी, दैट मीन्स बोथ आर इमेजिनरी पार्ट्स इन विच रियल पार्ट्स आर जीरो, राइट. सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है. इसमें तो आपके पास डायरेक्टली था, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा. सेकेंड आपके पास है क्वेश्चन, दैट इज 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसके हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं बनते, तो हम क्या करते हैं, इसे फॉर्मूला से करते हैं, जिसमें क्या थी जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0. तो ए क्या है? 2. बी क्या है? 1. सी क्या है? 1. फॉर्मूला हमने किया हुआ है माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसे आप क्या कहते थे? डी, राइट. तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था. तो दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस 8 माइनस 7 बाय 4. और माइनस अगर अंडर रूट में आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं? आयोटा अपॉन 4. तो दो वैल्यूज आपके पास आ गई, माइनस 1 प्लस रूट 7 आयोटा बाय 4, चाहे सेपरेट कर दो, और एक माइनस 1 बाय 4 माइनस रूट 7 बाय 4 आयोटा. तो दो फैक्टर्स आपके पास आ गए. पहले भी दो फैक्टर्स आते थे, लेकिन इसमें डी पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होता था, लेकिन यहाँ आपके पास डी नेगेटिव है, और डी नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हमने किया है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम है बिल्कुल, क्वेश्चंस पूरी कंप्लीट है एक्सरसाइज. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट. तो अब इसमें हम देखें तो a 1 b 3 और c 9. तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या आ जाएगा? माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ 9 माइनस 4 1 9 बाय 2a. दिस तो दैट इज माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ 9 माइनस 36 बाय 2 माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ रूट माइनस 27 बाय 2. अब यहां से अगर आप देखो तो ये क्या लिख सकते हो रूट 27 को? 3 रूट 3 आयोटा आ गया, और रूट 27 को लिख सकते हो 3 रूट 3, और माइनस 1 को अंडर रूट में था तो आयोटा अपॉन 2. आ गए दो फैक्टर्स, माइनस 3 प्लस 3 रूट 3 बाय 2 आयोटा, एंड माइनस 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 रूट 3 आयोटा. तो दो फैक्टर्स आपके पास आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, राइट. फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस x माइनस टू जीरो, फिर से वही a आपके पास है माइनस वन, बी वन और c माइनस टू, तो फॉर्मूला लगाए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक्स की वैल्यूज आती हैं, तो माइनस वन प्लस माइनस ऑफ वन माइनस फोर ऑफ माइनस वन माइनस टू अपॉन टू ए, तो माइनस वन प्लस माइनस ऑफ, अब ये देखो क्या आएगा, माइनस सेवन बाय माइनस टू, सो व्हाट वी गेट, रूट सेवन आयोटा बाय माइनस टू, आ गए आपके पास दो वेक्टर्स, माइनस वन प्लस रूट सेवन बाय माइनस टू और माइनस वन विद नेगेटिव साइन, सो वी गेट टू फैक्टर्स ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव जीरो, डायरेक्टली लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो माइनस थ्री प्लस माइनस ऑफ ट्वेंटी बाय टू, तो माइनस थ्री प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस इलेवन, तो क्या आ जाएगा, रूट इलेवन आयोटा बाय टू, दो फैक्टर्स अलग अलग करके लिख लोगे. सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू जीरो, फिर से वही, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ए वन है तो दिस इज वन प्लस माइनस ऑफ वन माइनस एट, फिर से रूट माइनस सेवन, तो वन प्लस माइनस ऑफ रूट सेवन आयोटा बाय टू, सिंपल है क्वेश्चंस, राइट. सेवेंथ देखो, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू जीरो, फिर से वही, ए आ गया रूट टू, बी वन और सी रूट टू, तो x क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस ऑफ वन माइनस एट, रूट टू इंटू रूट टू इज टू, टू इंटू फोर एट, वन माइनस एट दैट इज माइनस सेवन बाय टू रूट टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस ऑफ रूट सेवन आयोटा बाय टू रूट टू. तो आपने यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप फैक्टर बनाते हो और डी निकालते हो तो हमें डी में हमेशा आयोटा लाना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर यहां पर प्लस आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं बार माइनस में आंसर को नहीं छोड़ना, ऑलवेज यू हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा ओनली, राइट. एट्थ क्वेश्चन देखो, जैसे रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस थ्री रूट थ्री जीरो, ये दिया हुआ है, फिर से ए आ गया रूट थ्री, बी इज माइनस रूट टू और सी इज थ्री रूट थ्री, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो ये आ गया रूट टू प्लस माइनस ऑफ रूट टू का स्क्वायर इज टू माइनस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री बाय टू रूट थ्री, तो रूट टू प्लस माइनस ऑफ टू माइनस थर्टी सिक्स, तो दिस इज रूट टू प्लस माइनस ऑफ रूट माइनस थर्टी फोर, तो रूट टू प्लस माइनस ऑफ रूट थर्टी फोर आयोटा बाय टू रूट थ्री. अगर हमारे पास रूट कॉमन कहीं भी दो आ रहे होते सेम सेम तो हम कहते हैं कि हाँ हम कॉमन लेने की कोशिश करें, लेकिन यहां तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो वी हैव टू राइट और लीव द आंसर हियर ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन,
छोटी सी एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है. नाइन्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय रूट टू इज जीरो. ये है आपके पास. डायरेक्टली भी कर सकते हो और अगर आप इसका एलसीएम लेकर करना चाहो देन ऑल्सो. अगर एलसीएम ले तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जीरो हो जाएगा. ए आ गया आपके पास रूट टू, बी आ गया रूट टू और सी आपके पास आ गया वन. तो फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ये आपके पास आ गया माइनस रूट टू प्लस माइनस ऑफ टू माइनस फोर रूट टू अपॉन टू रूट टू. ये आ गया. अब देखो जो मैंने अभी कहा था, रूट टू है, रूट टू है. यहां पर अगर किसी तरह से हम टू कॉमन ले लें तो अंडर रूट से आर आकर रूट टू हो जाएगा और रूट टू कैंसिल आउट हो सकता है. जहां अगर यहां पर रूट थ्री होता या कुछ और होता तो हम कहते हैं कि यहां कॉमन नहीं आ सकता. तो यहां हम कोशिश कर सकते हैं कॉमन की. तो माइनस रूट टू प्लस माइनस ऑफ, मैं यहां से टू कॉमन ले रही हूं तो वन माइनस टू रूट टू अपॉन टू रूट टू बचा आपके पास, राइट. अब ये टू जब आप बाहर लोगे अंडर रूट से तो रूट के साथ आएगा कॉमन. तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट टू प्लस माइनस ऑफ रूट टू कॉमन और अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टू रूट टू अपॉन टू रूट टू. अब रूट टू आपके पास हर टर्म में से कॉमन आकर कट रहा है तो माइनस वन प्लस माइनस ऑफ अपॉन टू. देखो रूट टू कट गया, वी गेट दिस. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा भी आना चाहिए. तो क्या करें, आयोटा तो यहां आता था तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं. अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो टू रूट टू माइनस वन हो जाएगा दस, और अंडर रूट में माइनस आते ही वो क्या हो जाता है, आयोटा. तो माइनस वन प्लस माइनस ऑफ टू रूट टू माइनस वन बाई टू और यहां क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा. ध्यान रखना कि आयोटा अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना, बिकॉज अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज रिटन एज आयोटा. सो दिस इज योर आंसर. लास्ट टेंथ क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट टू प्लस वन इज जीरो. फिर से डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम एलसीएम ले लें. रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज जीरो. जो एलसीएम लेंगे रूट टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वहां जाकर जीरो हो जाएगा. अब फिर से ए बी और सी निकालेंगे तो ए इज रूट टू, बी इज वन एंड सी इज रूट टू. तो फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. तो माइनस वन प्लस माइनस ऑफ, अब ये क्या आ जाएगा, वन माइनस रूट टू इज टू, फोर टू जा एट. सो दिस इज माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस सेवन बाय टू रूट टू, दैट इज माइनस वन प्लस माइनस ऑफ रूट सेवन आयोटा बाय टू रूट टू. क्योंकि माइनस आ गया तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज आयोटा. सो वी गेट द आंसर. टू फैक्टर्स हमारे पास आएंगे प्लस माइनस से, एक प्लस में और एक माइनस में. सो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.3, राइट.